आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो फेमस होना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें फेमस होना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ माई पर्पज़ ऑफ लाइफ एंड फाइनली जिसको परसू करके मेरा नाम हो, शोहरत हो। आई वॉन्ट रिकग्निशन, और उन्हें चाहिए होता है यश, कीर्ति, रिकग्निशन। और ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आप क्रेव करते हैं लग्जरीज के लिए, और बेहतर लाइफ के लिए, और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और जब वो भी पूरा हो जाता है तब एंड में आपका मन करता है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपको यश मिले, आपको इस दुनिया में लोग जाने, आपका नाम हो। तब आपको ऐसी फीलिंग होती है, और ये फीलिंग और ज़्यादा प्रबल हो जाती है अगर आपके बर्थ चार्ट्स में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हो जो इस चीज़ के लिए, करने के लिए आपको पुश कर रहे हों कि आपको कुछ इस तरीके का करना है कि आप फेमस हो। और यही आज के वीडियो का टॉपिक होगा। आई एम रीना शर्मा, योर एस्ट्रो एडवाइजर, एंड आई वेलकम यू टू परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी। नाउ फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, हमें किस प्लैनेट की जरूरत होती है? वी नीड प्लैनेट मार्स। नाउ मंगल इज फेमस फॉर ड्राइव, करेज एंड एग्रेशन, एक्सीडेंट्स, बट नोबडी नोज मेनी थिंग्स अबाउट मंगल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। मंगल क्या है? मंगल है लाल रंग का एक प्लैनेट, दैट इज व्हाई मे बी आई एम वेयरिंग रेड टुडे। मंगल का नंबर है 9। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 9 बनता है, या फिर उनका बर्थडे किसी भी मंथ की 9th को, 18th को या 27th को होता है, वो भी मंगल से रूल होते हैं। मंगल का डायरेक्शन है साउथ, मतलब कि दक्षिण दिशा, और हनुमान जी दक्षिण दिशा में ही गए थे, इसीलिए हम मंगल को हनुमान जी से भी रिलेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टाई टास्कर्स होते हैं, वो बहुत सारे काम, 4-5 काम एक साथ करते हैं, वो भाग भाग के इधर से उधर, यू विल जस्ट फाइंड देम हॉपिंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनका मंगल स्ट्रांग होता है, दे आर वेरी ड्रिवन। और जहाँ मंगल इन प्लेस्ड हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है आपकी सराउंडिंग्स में या आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग आलसी हो जाते हैं। वो आज की बात चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि उनके अंदर की ड्राइव खत्म हो जाती है, दे आर नॉट वेरी ड्रिवन। सो दैट्स व्हाई मार्स इज वीक इन देम। जहाँ मंगल आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आपकी ड्राइव को दर्शाता है, आपकी करेज को दर्शाता है, आपके अंदर के अग्रेशन, एंगर को दर्शाता है, वहीं एट द सेम टाइम मार्स इज ऑल्सो रिकग्नाइज एज अ कारका फॉर रिलैक्सेशन। वाई? बिकॉज आई जस्ट स्पोकन अबाउट द डायरेक्शन साउथ, सो साउथ जोन इज फॉर रिलैक्सेशन एज वेल। आप में से कितने कम लोग जानते होंगे कि हम मार्स को रिलैक्सेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं। और अगर आपका मार्स ठीक नहीं है, वेल प्लेस नहीं है, अफ्लिक्टेड है, आपकी सराउंडिंग्स में उसका जोन इम्बैलेंस्ड है, तो आप आलसी होंगे, ड्रिवन नहीं होंगे, लेस कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट रिलैक्सिंग एट नाइट प्रॉपरली, आप ठीक से सो नहीं पा रहे, दैट ऑल्सो मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आपका मार्स अफ्लिक्टेड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इस मंगल को जो कि इम्बैलेंस्ड है कैसे बैलेंस करेंगे। सो वॉट वी विल डू, वी विल गो एंड चेक द साउथ कॉर्नर। आप अपने सराउंडिंग में, अपने घर में या अपने ऑफिस में अपने साउथ जोन को चेक करिए। और क्योंकि आई एम श्योर दैट एवरीवन इज नॉट अवेयर अबाउट वास्तु टू मच, तो आपके शहर में जो भी अच्छे रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप उनसे उस जोन को चेक करवाइए, और अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस करवाइए। जनरली साउथ जोन येलो या रेड कलर से बैलेंस होता है। वो कितना एग्जॉस्टेड है और कितना एक्सटेंडेड है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर उसमें यूज करेंगे। अगर वो बढ़ा हुआ है तो हम कोई और कलर, दैट मीन्स वील बी यूजिंग मे बी येलो, और अगर वो घटा हुआ है तो वहाँ हम रेड कलर यूज करेंगे टू एनहांस द एनर्जीज देयर। वहाँ एनर्जीज एनहांस होंगी, आपका साउथ जोन अच्छा होगा, और आपके मंगल की जो भी बैड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप मंगलवार को और शनिवार को हनुमाष्टक या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमाष्टक का पाठ, अगर आपका ठीक से उच्चारण नहीं होता उसमें, तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के आप उसको चला सकते हैं और साइड बाय साइड सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका मंगल बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज़, देखिए, अगर आपको फेमस होना है, जिससे मैंने बात शुरू की थी, तो वहाँ भी मंगल को एनहांस करना होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने साउथ जोन में
जो भी आपके घर या ऑफिस का साउथ जोन या डायरेक्शन है, वहाँ आप अपने सर्टिफिकेट्स लगाइए, अपने अवार्ड्स लगाइए। और वहाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ के जोन के जो मंगल हैं उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें कहाँ, किस डायरेक्शन में और किसके लिए काम करना है। बिकॉज देखिए, घर में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसको फेमस बनाना है उसको दिशा दिखाने के लिए आपको वहाँ वो फोटोज लगानी पड़ेंगी, वो सर्टिफिकेट्स लगानी पड़ेंगी। जब वो सर्टिफिकेट्स वहाँ होंगे, आपके मंगल को पता होगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है, वहाँ की एनर्जीज को पता होगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। तो इस वजह से सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स साउथ जोन में लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। सो लेट्स एनहांस आवर लाइव्स एंड आवर लाइफस्टाइल्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल रेमेडीज, एंड इफ यू फॉलो देम रिलीजियसली फॉर फ्यू डेज, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप 20 से 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पॉजिटिविटी आ रही है, आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो चीज़ें जिनके जिन एट्रीब्यूट्स की वजह से आप परेशान थे, आप जो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो धीरे धीरे आपके पास आ रही हैं। सो इफ यू लाइक्ड माय वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट इन इट एंड इफ इट्स यूजफुल टू यू, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज वंस यू प्रेस द बेल आइकन यू गेट द पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।